फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ दिन के 2 बजे से, और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। दोनों का पेपर था, दोनों गए थे, दक्ष और जिया, तो ये स्कूल से आ गए हैं। हेलो बोलो। हेलो। और जिया, जिया भी आ गई है। और जिया क्या कर रही है? लैपटॉप में काम क्या कर रही है? किस में कर रही है? किस में किसमें काम कर रही हो? ये क्या है आपका? लैपटॉप है। तो जिया का लैपटॉप में वर्क चल रहा है। और दक्ष, आप क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा हूं। किसमें खेल रहे हो आप? पीसी में। हैं? तो दिखाओ, किसमें खेल रहे हो? पीसी में। कहाँ गया दक्ष? दक्ष तो दिख ही नहीं रहा। तो बच्चे ऐसे गेम खेल रहे हैं खिड़की विंडो के आगे बैठ के। एक अपनी टॉय से लैपटॉप में काम कर रही है और एक विंडो में पीसी से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, लंच रेडी हो चुका है। बच्चों को लंच कराते हैं, फिर इनको सुलाते हैं। क्यों नहीं सोना है? खाना खा के सोएंगे नहीं है? खाना खा के नहीं सोएंगे हम? फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। खाना सो के दे दे। हैं? अब नाच करेंगे। नाच करोगी? हाँ, मेरे गाने में गाना लगाया था आपने। कौन से गाने में डांस करोगी? दिखाओ। दिखाओ कैसे करती हो? सुनाओ तो फिर, कैसे गाना सुना दो। गाना तो सुनाओ, कौन सा है? कौन सा सॉन्ग है? नाम तो बताओ सॉन्ग का। जोर से सुनाई नहीं दे रहा किसी को। गज का नंबर 6। कौन सा सॉन्ग है? मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्या करूँगी? शेर अच्छा। तो फ्रेंड्स, चलिए इनको लंच कराते, फिर इनको थोड़ी देर रेस्ट कराते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग 6 o'clock के उठ जाते हैं तो नींद आती है इनको, बट ये सोते नहीं है। फिर भी एक को मैंने बोला अंदर आओ और वो बाहर बालकनी में चले गया। दक्ष, आ जाओ बेटा। दक्ष बालकनी में क्या कर रहे हो? चलो चलो। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बालकनी प्लांट्स में फ्लावर आ गए हैं। ये देखिए गेंदे में भी फूल आ गए हैं काफ़ी सारे, और इसमें भी आया था वाइट कलर का फूल। और ये देखिए मेरे बॉटल प्लांट्स इतने बड़े हो चुके हैं। और ये देखिए इसमें मिर्च के पौधे लगाए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी गेंदे में फूल आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, लंच करते हैं और बच्चों को फिर सुलाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इनको सोने के लिए बोल रही हूँ बट ये सो नहीं रहे। ये देखिए लंच कर लिया उन्होंने, बट यहाँ देखो, अरे ऐसे बॉक्सिंग होगी क्या? मैं इसको हाथ में से पकड़े रहूंगी क्या? और क्या, मैं नहीं पकड़ सकती ऐसे। पंचिंग बॉक्स पकड़ो। और जब से पंचिंग बॉक्स आया है बेचारा ऐसे ही पड़ा है। ये दक्ष को बॉक्सिंग करने का शौक है, बट जब से लाए हैं ना ये ऐसे ही पड़ा है कि इसको बॉक्सिंग नहीं करनी है। दक्ष कराओ, इसको भी बॉक्सिंग कराओ। करा करो दोनों हैंड से। हाँ ऐसे करके बॉक्सिंग होती। चलो ये पंचिंग बॉक्स नीचे रख दो, आपस में करके दिखाओ कैसे करते हैं बॉक्सिंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लंच कर लिया है और बच्चों को सोने के लिए बोली, बट वो सो नहीं रहे हैं, मस्ती में लगे हैं दोनों। जल्दी से लेके आओ। तो फ्रेंड्स, दक्ष को देखिए ऐसे करते हैं बॉक्सिंग, दिखाना कैसे करते हैं, मेरे को नहीं आती है वो। हाँ अच्छा अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? क्या होता है मुँह से दिखाओ। ऐसे भी होता है? हाँ, मुझे नहीं पता। और क्या क्या होता है? ओ अच्छा। तो देखिए इनके आपस में बॉक्सिंग चल रही है। अरे आराम से। ये देखिए दोनों के बीच में बॉक्सिंग हो रही है। ओ नो, जिया गिर गई। उठो। तो कौन भी जीत गया? आपको नहीं आती बॉक्सिंग? ओ सॉरी, चलो ढंग से करो, खड़े उठो जल्दी। नहीं करना है, करो फिर। चलो फिर सो जाओ, वहां करो उसके साथ करो, दादा के साथ। एक जगह पे खड़े होके आ
अच्छा चलो ठीक है फिर रहने दो, अभी रेस्ट कर लेते। सुबह सुबह ना जिन जल्दी उठे हो ना आप, नहीं उठे गए फिर रात को फिर नींद आ जाती है बेटा, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स ये तो इनकी मस्ती ऐसी चलती रहेगी, इनको पहले मैं एक दो घंटा सुलाती हूँ फिर इनको फिर उठाऊंगी, तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। नहीं बेटा सोना है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है इवनिंग का 4 o'clock और मैंने जिया को सुला दिया है, दक्ष को भी सुला रही थी बट ये सोया नहीं, ये मेरे साथ ही उठ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको लेके मार्केट चलती हूँ, थोड़ी शॉपिंग करनी है होली के लिए, क्योंकि फिर शाम के समय बहुत, रात के समय ना थोड़ा अंधेरा होने लग जाता तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने कहा भी चलते हैं और जो जो शॉपिंग करनी है कर लेते हैं, बच्चों ने भी कुछ सामान लेना है वो ले लेते हैं। और जिया को मैंने सुला दिया, वो सो गई है और इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि दोनों को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, तो जिया को नहीं लेके आए हैं, वो परेशान करती है, तो दक्ष को लेके आई हूँ। ये थोड़ा सा परेशान, ये तो ऐसे मार्केट में नहीं करता, वो ही करती है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट के रास्तों के बीच वाले रास्ते से, और ये देखिए दक्ष आराम से गिरोगे, दक्ष दौड़ लगा रहा है यहाँ पे। इसको यही वाले रास्ते से जाना पसंद है मार्केट, क्योंकि वहाँ से गलिया कंजेस्टेड है, भीड़ बहुत रहती है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रहता है, तो इसको यही से जाना पसंद है। तो ये रास्ता जो है वो दक्ष का फेवरेट रास्ता है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक है ना कुछ है, इजीली बच्चे जा सकते हैं। ऐसे देखिए ऐसी हो रही है मार्केट में चहल पहल, देखिए देखिए चलो इस तरह से मार्केट में इतना रश हो रहा है। तो देखिए दिन के शाम के 4 बजे भी इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में, ज़्यादातर गाड़ी वालों की भीड़ है, जगह जगह शॉप्स लगी है कलर्स की। तो हम लोग शॉप में आ गए कुछ पॉलिश, देखो कौन सी चाहिए, वो ग्रीन कलर वाली है बेटे, वो आपसे नहीं होगी बेटा, इनमें से देख लो जो आपसे हैंडल हो सके, चूज करो कौन सी चाहिए, कलर चूज कर ले। जी अगले को ये वाली एक तो ये कर दीजिए साइड जी, अगले कौन सी ने, ये वाली कैसी है, ये प्राय गुब्बारे फुलाने वाली, ये गुब्बारे फुलाने वाली है, बच्चा बड़ा छोटा है, 5 साल की है, साल तो पिंक कलर में दिखाना, बड़ी सी पन्नी दे दो मुझे खत्म से, ले चिंता ना करो, कट्टी लगा लो ना आप, उसकी चिंता ना करो, ये तो कर दीजिए चलिए चाचा, एक थाली बड़ी भी दे देना बच्चों के लिए। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मार्केट में जगह जगह होली का दहन के लिए जौ और उपले आए हुए हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तो फिर भी कम है, जैसे जैसे ही अंधेरा बढ़ती जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए होली के लिए टी शर्टें भी आ गई हैं बच्चों की। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं अभी, ये है यहाँ का कालू राम चौक है यहाँ का, और यहाँ से जो है लगभग सारे ऑटो ऑटो मिलते हैं हम लोगों को, और यहाँ से आगे को जाओ तो बस स्टैंड आ जाता है, तो यहाँ से भी बस की सारी सुविधाएं हैं, आप कोई सी भी बस पकड़ के जा सकते हैं। जगह जगह होलिका दहन के लिए उपले और क्या है ये जौ है कि गेहूँ है वो रखे हैं इन लोगों ने। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जा रहे हैं फ्रूट मंडी कुछ फ्रूट्स लेने, तो यहाँ पे देखिए है। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं यहाँ पे सब्जी खरीद फल मंडी, तो भैया संतरे कैसे दे रहे हो, भूल भुलैया क्या करेंगे, 1.5 किलो संतरे और अंगूर कैसे दिए भैया। हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो हम लोग जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये है बस अड्डे यहाँ का, तो देखिए यहाँ से बसें निकल ली, हर रूट की बस यहाँ से जाती है और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है यहीं से, ये देखिए आप बस से जाओगे टोक्यो जापान ना। फिर किससे जाओगे, तो दक्ष जा रहा है यहाँ से बस के रूट से जापान और टोक्यो, जापान ही जा रहा है, आप भी तो चल रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ आप ही जा रहे हो, मैं तो वहाँ जाऊँगी, मैं तो घर जा रही हूँ, देखिए सारी बस सारी रूट्स की बस से जा रही है, तो ये यहाँ का बस अड्डा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
बस अड्डे से घर पर जाते हुए, तो यहाँ पे भी जस्ट इधर ही इस यहाँ से लेफ्ट जाते, रुक 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 मिनट आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सामने यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, ये देखिए आओ काली जमाली जा। पता चला मेरे को पता है आपको जाना है काली जमाली ना। क्यों अच्छा नहीं लगा आपको काली जमाली में? तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली मार्केट से आ चुके हैं, और परसों तो हमने जो पिचकारी दी थी ना तो वो डिफेक्टिव थी थोड़ी, तो हम चेंज करके लाएंगे, तो मत करो उसकी है दस। तो दस अपने लिए ये वाली पिचकारी लेके आया है रन वाली, और इधर देखो, और ये जिया की, और ये जिया की पिचकारी है। और बस इतना ही लेके आया है मार्केट में, और एक ये मंदिर के लिए एक बच्चों की क्रीम लेके आई हूँ, और जिया की क्लिप्स नॉर्मल क्लिप्स हैं, टिक टैक कभी ठीक रहती है। एक मंदिर के लिए रोली लेके आई हूँ मैं, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी एप्पल ऑरेंज और थोड़े से फूल लेके आई हूँ मंदिर के लिए। तो फ्रेंड्स इतना ही लेके आए हम मार्केट से, और जिया भी सोई है, और जिया के लिए मैं केक लेके आई हूँ। देखिए 10 रुपीज़ में ही बच्चों को निपटा देती हूँ, बच्चे भी खुश और हमारा भी बजट में। ऐसा नहीं है बच्चों को ये वाले केक पसंद है कैडबरी के, तो वो ये इनको वो ये अच्छे लगते हैं, तो ठीक है ठीक है। नॉर्मली बच्चों के लिए छोटा स्नैक्स टाइप का भी है, छोटा सा केक है, तो बच्चों के लिए भी ठीक है, और माँ बाप के लिए भी देने में ही जी रहता है। तो ये जी और दक्ष ने के केक लिया अपने लिए। तो फ्रेंड्स बस इतना ही लेके आए हम, मेन था उनकी सारी के जो पीस थे वो थोड़ा सा डिफेक्टिव थे, प्रॉब्लम थी, तो उसको चेंज करके लेके आए हैं, और ये है कि बच्चे हैप्पी हो जाते हैं अपनी चीज़ों के साथ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ बालकनी में, और मेरा हो रहा है टी टाइम, तो बच्चों ने तो दूध पी लिया है, उनको मिल्क दे दिया है, तो और मेरे हस्बैंड भी कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ में ऑफिस का वर्क चल रहा है, तो मुझे कप में चाय पीना पसंद नहीं है, मैं गिलास में ही पीती हूँ चाय। और तो अभी बालकनी में बैठा जा रहा है, और बाहर के नज़ारे बाहर के नज़ारे भी देखे जा रहे हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम का भी मज़ा लिया जा रहा है, और साथ में चाय का मज़ा भी लिया जा रहा है, तो इंजॉय। तो फ्रेंड्स देखिए जिया भी उठ चुकी है, और देखो जिया अच्छी लगी आपको अपनी पिचकारी? ऑरेंज कलर पसंद नहीं आता है? क्यों पिंक भी तो है इसमें, ये देखो पिंक है इसमें, ये देखो ये पिंक है, देखो इसमें इसमें अपनी पिचकारी को चेक करा के लाओ पापा से, ठीक चलने चली जाओ वाटर से वो चेक करा के लाओ, पापा के साथ चेक करा के लाओ, आपकी सही चली है? तो इसने क्या करा ना, इस अभी पिचकारी में ना ये हमारे महाराज जी ने क्या करा, इसने पिचकारी में पानी की जगह पता है वहाँ वॉशरूम में जाके वहाँ पे इसने पूरा सारा हैंड वॉश से भर दी पिचकारी इसने, अब इसको जाके साफ करके लेके आया है, और कह रहा थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, खराब चल रही है बोल रहे। ऐसे बच्चों के दिमाग भी ऐसी खुरापाते चलती हैं, तो ये पूरा हैंड वॉश भर के ले आया था इसमें। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है इवनिंग का 7:00, और मैं यहाँ पे मटर छिल रही हूँ, और बच्चे कर रहे हैं स्टडी, तो मैं कल मार्केट से मटर लेके आएगी, तो इसके दाने निकाल के रख देती हूँ सारे, आप पढ़ाई करो अपना। पहले पढ़े, पहले अपना स्टडी करो उसके बाद पढ़ना करना, सॉरी। करो करो स्टडी करो आप, अभी बहुत सारी मटर है, इतनी सारी छिलनी है, ये देखो आपको अच्छी है, हाँ ठीक है चलो फिर पढ़ाई करो। तो फ्रेंड्स आज डिनर में बन रहा है मटर पनीर, बच्चों की फरमाइश पे इसलिए मटर छिले जा रहे हैं, वैसे भी मटर मैं छिलके रख देती हूँ,
क्योंकि फिर ये ना गल जाती है, इसके ना ये ख़राब हो जाती है। छिलके दाने रख दो ना स्टोर करके तो वो ठीक रहती है स्टोरेज में। तो थोड़ा सा मटर पनीर में जाएगी और बाकी स्टोर करके रखी जाएगी मटर। क्या हो गया? तो मेरे को अच्छी नहीं लगी आपकी राइटिंग, जब मुझे अच्छी लगेगी तभी तो बोलूँगी। हाँ तो मैंने सॉरी बोल दिया ना, अब अच्छे से करो पेज। देखो आपका पेज घूमड़ा वहां से, सुंदर सुंदर राइटिंग बनाते हैं तभी तो जाके स्टार मिलता है बेटा। चलो बनाओ आप, कलर नहीं है, अब काम करो चलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स मटर छिल चुके, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ डिनर बनाने। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।